सो गाइस, आखिर क्यों किया बिग बॉस ने सभी घर वालों को नॉमिनेट, और अब कैसे बचाएंगे सभी घर वाले अपने आप को एलिमिनेशन से, चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। सो गाइस, कल बिग बॉस ने सभी घर वालों को ये बताया था कि शो के दिन अब कम हो चुके हैं, जिसके बाद फिर बिग बॉस ये कहते हैं कि अब सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे हैं, तो मैं सभी घर वालों को नॉमिनेट करता हूं, और अब तुम्हारे पास ये मौका है कि तुम सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम कैप्चर करो ताकि जनता तुम्हें देख सके और तुम्हें वोट कर पाए, और इस वीक तुमको खुद को प्रूव करना है कि तुम क्यों इस घर के सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य हो। जिसके बाद फिर बिग बॉस सभी घर वालों को एक टास्क देते हैं और ये बताते हैं कि तुमको ऑडियंस की ये मदद करनी है और उनको ये बताना है घर के कौन से 2 सदस्य सबसे वीक कंटेस्टेंट हैं और वो घर के अंदर रहने के लिए क्यों नहीं लायक हैं। जिसके बाद फिर बिग बॉस यहाँ पर एक ट्विस्ट लाते हैं और बताते हैं कि इस टास्क को 2 ग्रुप में किया जाएगा, जिसमें ग्रुप ए में होते हैं निक्की, अभिजीत, वर्षा और सूरज, तो ग्रुप बी में होते हैं अंकिता, पैडी, डीपी और जानवी। जिसके बाद फिर सबसे पहले बारी आती है अंकिता की, और फिर अंकिता नॉमिनेट करती है निकी और सूरज को। फिर अंकिता ने निकी का ये कारण दिया कि निकी घर के अंदर किसकी भी नहीं सुनती, और फिर सूरज के बारे में ये कहती है कि उसको डिसीजन लेने नहीं आते और उसकी गेम दूसरे पर डिपेंडेड है। जिसके बाद फिर बारी आती है वर्षा की, और फिर वर्षा नॉमिनेट करती है पैडी को और डीपी को, और यहाँ पर फिर पैडी और वर्षा के बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती है। जिसके बाद फिर बारी आती है डीपी की, और फिर डीपी वर्षा और निकी को नॉमिनेट कर देता है। गाइस, आपको बता दें कि एपिसोड के लास्ट में सिर्फ इन तीनों की ही बारी आती है, और अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि कौन सा सदस्य किसको नॉमिनेट करता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन किसको नॉमिनेट कर सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।